सोना गाइस ऐसा नजारा देख के भाई दिल गार्डन गार्डन होता है। देख सकते भाई क्या खूबसूरत नजारा ना भाई, चारों तरफ भाई ये पाइन ट्री और पाइन ट्री के बीच में आपको भाई सारा भाई सेगुन का पेड़ है। ठीक है, हमारे चाचा के घर में भी भाई यही वाला पेड़ है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। एंड चेक दिस आउट गाइस, आज के ब्लॉग में शुरू करो भाई पहाड़ से। ये भाई देख सकते हो भाई पहाड़ वाला रोड है। ठीक है, और ना गाइस आज है भाई होली। तो गाइस सबसे पहले भाई हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भाई आप सभी को भाई हैप्पी होली। तो गाइस ब्लॉग पे बनना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना। ठीक है, और फिलहाल जा रहे हैं भाई हम लोग एक नया प्लेस को टूर करने के लिए। तो गाइस फिलहाल करते हैं भाई हमारी जर्नी को शुरू, और देखते भाई ये जो रोड है ना भाई, ये मस्त ढलान देख सकते हैं भाई। इसमें अगर मैं भाई चाबी भी ऑफ कर दूंगा ना भाई, खुद ब खुद गाड़ी चल रहा है। देखो मतलब बिना पेट्रोल का भी गाड़ी चल जाएगा भाई। ये पहाड़ हो गए देख सकते हैं, ये भाई पहाड़ों का खूबसूरती है। देखिए क्या ढलान है ओ भाई। तो गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भाई, ये आपका मारुनी बारी टी स्टेट, और मारुनी बारी टी स्टेट का कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और गाइस आज हम लोग जिस प्लेस में जा रहे हैं भाई, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर से उस प्लेस। ठीक है ना, तो भाई ब्लॉग पे बना रहना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना। और गाइस आज है भाई होली, तो उसी वजह से देख सकते भाई सारे जो दुकान है भाई क्लोज है, क्योंकि गाइस आज सारे लोग भाई खेल रहे हैं भाई होली। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके भाई ये आपका गिरधारा मार्केट। देख सकते भाई ये आपका गिरधारा मार्केट, और ये भाई छोटा सा ये पुल, जो भी को देखो भाई ये बीच रोड में क्या कर रहा है। और ना गाइस आज तो भाई इंसानों को भाई देखने में तो भाई भूत के बराबर दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं भाई सब लोग भाई यहाँ पे कलरफुल होके खेलेंगे आज होली। और गाइस यहाँ पे भाई दो रास्ता है, देख सकते हैं ना, एक है सीधा। अब ये सीधा रोड कहाँ पे जाता है मुझे पता नहीं, बट हमें जाना पड़ेगा भाई लेफ्ट साइड में, क्योंकि गाइस हमें जाना पड़ेगा भाई मिरिक। और जब भी ना गाइस मिरिक जाता हूँ ना गाइस, ये वाला जो रोड है ना भाई सच्ची में यार मस्त दिखता है। देखो क्या मस्त दिख रहा है ना, साइड साइड पे ये जंगल, इस पेड़ और पेड़ के बीच में छोटा सा ये रोड, क्या खूबसूरत लगा देखिए। और ऐसे ना गाइस आज है भाई होली, और काफ़ी लोगों का भाई हॉलीडे भी है, तो आई थिंक सो भाई काफ़ी लोग भी भाई घूमने के लिए जाएंगे। देख सकते हैं भाई काफ़ी लोग भी भाई कार वगैरह लेके भाई घूमने के लिए आए हैं। और ये देख सकते भाई कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत लग रहा है नज़ारा देखिए। सो चेक दिस आउट गाइस, ये भाई सूखा वाला पेड़ क्या मस्त दिख रहा है ना, सारा पेड़ भाई सूख चुका है, सारा भाई सेगुन का पेड़ है। ठीक है, हमारे चाचा के घर में भी भाई यही वाला पेड़ है, सेगुन वाला पेड़ है। और इसका ना गाइस इसका पेड़ का भाई प्राइस भाई बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, फर्नीचर वगैरह बनता है भाई इस पेड़ से। और ये देखो भाई बांस का पेड़ देखो भाई, इतना मोटा मोटा बांस का पेड़ भाई पहाड़ में होता है। ठीक है, बट हमारे गाँव में भाई इससे थोड़ा पतला होता है, बट यहाँ का जो बांस का पेड़ देख सकते हैं ना क्या मोटा मोटा दिख रहा है देखो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके भाई दुधिया मार्केट। तो चेक दिस आउट गाइस, ये भाई दुधिया मार्केट, तो फिलहाल भाई क्लोज है दुधिया मार्केट। ठीक है, क्योंकि गाइस आज भाई होली, होली में सब लोग खेलेंगे रंगोली। और भाई देख सकते भाई आगे भाई एक बड़ा सा भाई पहाड़, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो भाई बहन लोग भाई मस्त से भाई होली वोली खेल के क्या कलरफुल बन चुका है देखो भाई। और ये जो ब्रिज है ना गाइस, वन वे बड़ा ब्रिज है, यहाँ पे भाई एक गाड़ी जाएंगे तो भाई एक गाड़ी दूसरा वाला गाड़ी आएंगे। ठीक है, तो पहले भाई हम लोग को जाने दिया, तो जैसे हम लोग भाई निकल जाएंगे उसके बाद दूसरा वाला गाड़ी उधर से आएंगे। तो भाई ये ब्रिज देखिए, और भाई ये आपका पिकनिक स्पॉट है। और ना गाइस यहाँ से भाई मिरिक 22 किलोमीटर है, और हमें भाई लगभग से लगभग टाइम लग जाएगा कवर करने में, पकड़ लीजिए 45 मिनट, क्योंकि ना गाइस जो मेरा ड्रैगन है थोड़ा इसका कंडीशन थोड़ा खराब है, इसका जो चेन है थोड़ा लूज है, और हमें चढ़ना पड़ेगा भाई आप में। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे कितना आप है, तो इसमें चढ़ने का थोड़ा मुझे मुश्किल होगा, क्योंकि ना गाइस जो मेरा ड्रैगन का जो भाई थोड़ा चेन जो लूज है उसी वजह से सर्विसिंग नहीं कराया था ना गाइस, तो दिक्कत होगा। तो सो देख सकते भाई ये कितना आप है ना गाइस, देख सकते हैं। वैसे गाइस अगर सीधा रास्ता होता तो भाई हमें भाई 22 किलोमीटर 15-20 मिनट में वहाँ पहुँचा जाता है। ठीक है, बट ये पहाड़ों का रास्ता ना गाइस 22 किलोमीटर भी भाई 100 किलोमीटर के बराबर लगता है, और यहाँ पे भाई सिग्नल दिया हुआ है भाई हॉर्न,
क्योंकि गाइस ये जो है भाई स्नेक बराबर रोड है, ठीक है ना, इसको भाई स्नेक रोड बोलते हैं, क्योंकि उस साइड से अगर गाड़ी आएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। उसी की वजह से भाई हॉर्न हमेशा यूज करना चाहिए भाई पहाड़ों पे। और आगे आगे चल रहे भाई हमारे पास थार, ये भाई पुराना मॉडल वाला थार है। सो चेक दिस आउट गाइस, हम लोग आए थे भाई वो वाला रोड दिख रहा है ना भाई, उस रोड से आए थे, ठीक है। और ये देखो भाई घर सब कितना छोटा छोटा दिख रहा है ना, और वो जो दिख रहा है ना भाई ये नदी है। और भाई हमारा सिलीगुड़ी वहाँ पे है, पर कोहरा छाया हुआ है गाइस। सिलीगुड़ी में तो धूप दे रहा है, बट हमारे मिस अभी मेरी साइड पर देख सकते हैं भाई थोड़ा कोहरा छाया हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग जाना पड़ेगा इस साइड पर, और हम लोग आए थे भाई इस साइड, ठीक है ना। कितना ढलान है भाई साहब, ये पहाड़ दिख रहा है भाई, वो पहाड़ पर हम लोग को जाना होगा अभी। फिलहाल जो टाइम हो रहा है भाई दोपहर का 12, और जस्ट नाउ को भाई टिंगलिंग पहुंचा है, देख सकते भाई टिंगलिंग का कुछ खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे, देखते भाई क्या मस्त दिख रहा है ना। सो चेक कर सकते भाई, ये आपका पाइन ट्री क्या मस्त दिख रहा है, देखो भाई क्या सजा के बनाया गया ना पहाड़ों को भाई, देख सकते। और सरना गाइस ये भाई टी गार्डन है, और देखिए भाई क्या लुक है। और वो जो चोटी में भाई ये मंदिर जैसे दिख रहा है, क्या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मन तो जा रहा है भाई जाके पास से देखूँ, बट देख सकते मैं कितना आप में है। सो गाइस यहाँ से लगभग जो मिरी के भाई 3 किलोमीटर है, और भाई यहाँ का जो मौसम चेक कर सकते हैं भाई, थोड़ा कोहरा वाला मौसम गिरा हुआ देख सकते भाई। ये फॉरेस्ट डिपो भाई साहब सिलीगुड़ी में भाई गर्मी दे रहा है भाई, इधर में भाई देखो भाई कोहरा गिर रहा है देखो। और भाई लोग भाई मस्त से भाई स्टम्प वगैरह बैट वगैरह लेके भाई क्रिकेट खेलने निकल चुके हैं भाई साहब। मेरे जो हाथ है ना भाई, ये उंगली भाई देखो भाई ठंड से भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा भाई उंगली। फिलहाल आपका भाई भाई पाइन ट्री के फॉरेस्ट पे सोना गाइस, ऐसा नजारा देख के भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, देख सकते भाई क्या खूबसूरत नजारा ना भाई, चारों तरफ भाई ये पाइन ट्री और पाइन ट्री के बीच में आपको भाई। और ना गाइस यहाँ से तो मेरी के भाई 2 किलोमीटर है, और भाई यहाँ पे ना सच्ची में सिलीगुड़ी में भाई इतना ज्यादा धूप था भाई, यहाँ पे आके भाई देख सकते भाई कितना ज्यादा ठंड हो रहा है, जैकेट को मैंने रख दिया क्योंकि भाई थोड़ा ठंड का भी महसूस होना जरूरी है, क्योंकि ना गाइस सिलीगुड़ी होता है भाई हमेशा भाई जैकेट खोल के घूमते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे चल रहा है भाई धूप। और भाई यहाँ पे देख सकते भाई कोहरा छाया हुआ है, ठीक है ना भाई, मेरा जो उंगली ना भाई काम नहीं कर रहा है, और पीछे में देख सकते हो क्या मस्त वाला सीन दिख रहा है। तो जाके भाई वहाँ से एक सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, और देखना भाई सिनेमेटिक शॉट मेरा शॉट वीडियो मिल जाएगा, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करना। सो चेक कर सकते भाई, ये भाई पाइन फॉरेस्ट थी, पाइन ट्री के फॉरेस्ट। तो अंदर जाने थोड़ा डर भी लग रहा है, बट डर का आगे जीत है, यहाँ पे भाई काफ़ी लोग भी आते हैं देख सकते हैं। और मैंने बाइक को भाई वहाँ पार्किंग कर दिया, कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे बाइक को, ठीक है ना। आगे रास्ता, और देखो भाई कितना लंबा ना पॉइंट ट्री, ठीक है देखो भाई ये भाई मिरिक का टाउन है। तो भाई आगे भाई मिरिक लेक, अभी फिलहाल जा रहे भाई हमें मिरिक लेक, देख सकते भाई वो है मिरिक लेक। तो भाई सबसे पहले हमें भाई पार्किंग करना पड़ेगा, तो पार्किंग कर लिए। सो चेक कर सकते हैं भाई ये मिरिक लेक, तो आप अंदर जाएंगे इसके लिए, ठीक है ना, देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। सो गाइस ये भाई पार्किंग प्लेस देख सकते हैं भाई, यहाँ पे कितने गाड़ियों पर पार्किंग किए हुए, ठीक है। तो लेट्स सी भाई, अभी देखते हैं भाई। 20 रुपया, अच्छा ठीक है। कितना घंटा चले, कितना भी घंटा? पूरा घंटा, ठीक है, थैंक यू भाई। चलेगा ना भैया? तो अभी हम चल रहे भाई मिरिक के लेक की ओर, और यहाँ पे देखो भाई साइड साइड पे भाई मोमोज का दुकान बैठाया है, बट अभी तो चल रहा है भाई रोज जा, तो हम लोग खाने से आएंगे। ये भाई फाइनली अब पहुंच चुके भाई मिरिक लेक, नॉट पार्किंग, पीपल आर कमिंग, नॉट पार्किंग, चलो भी भाई साहब। सो गाइस ये भाई मिरिक के लेक के साइड पे टाउन देखो भाई। सो गाइस अभी ढूंढ रहे भाई पार्किंग के प्लेस, वैसे तो भाई 20 रुपये ले लिया भाई पार्किंग के लिए, बट पार्किंग के प्लेस में तो भाई देख सकते भाई पार्किंग के प्लेस हमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो भाई छोटा सा जगह मिला हमको, हम लोग रख देंगे बाइक को यहाँ पे। चलो ब्रदर, घुस जा, चलो